السلام علیکم میں قادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ہلکا سا پوچھئے گا اور مجھے دماغ کو دہی مت بنائیے گا دماغ کا دہی بننے کے لیے میں یہاں نہیں آیا ہوں السلام علیکم میں قادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ہلکا سا پوچھئے گا اور مجھے دماغ کو دہی مت بنائیے گا دماغ کا دہی بننے کے لیے میں یہاں نہیں آیا ہوں نہیں بنانے پوچھئے قادر خان صاحب سلام سب سے پہلے تو اتنے دنوں بعد آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اتنے دشکوں سے آپ جڑے رہے ہیں ہندی سنیما کے ساتھ اور اس کے بعد اب واپس سے نظر آئیں گے دماغ کا دہی میں اتنے بیچ جو عرصہ رہا جب آپ نہیں دکھائی دیے سنیما میں سب سے زیادہ وہ کون سی چیز تھی جو آپ مس کرتے رہیں اپنے گھر میں نہیں میں اپنے گھر میں نہیں تھا میں پونہ میں تھا اور کھنڈالا میں تھا اور میں نے وہاں ایک انسٹیٹیوٹ کھولا تھا میں دبئی بھی گیا اور لوگوں کو عربی سکھا رہا تھا یہ میرے ہوم پوری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے دوست کاش تم میرے دوست ہوتے یہ میرے پاس ہوتے تو میں تمہیں عربی سکھاتا عربی بڑی ٹیڑھی کھیر ہے اور میں اس کو سیدھی کھیر بنا کر اور آپ کو دماغ کا دہی نہیں بناتا یہ فلم اس لیے سائن کی کہ اس لیے کہ دماغ کا دہی بننا ہے لوگوں کا دماغ کا دہی بن جاتا ہے جی آپ نے بہت دن سے کیا نہیں فلموں کے ذریعے اس لیے آپ نے جی
पूजिए। हेलो कादर सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक बेहतरीन डायलॉग राइटर भी रहे हैं और थिएटर से, रंगमंच से होते हुए इंडस्ट्री में आए हैं। आप जबान की किस तरह से शक्ल बदल गई है, बदलती है, और डायलॉग एक ज़माने में थे वो फिल्मों के डायलॉग भी बिका करते थे मार्केट में उसके कैसेट, लेकिन आज जो हैं डायलॉग वो लोगों की ना ज़बान पे आते हैं ना किस तरह से उनके साथ रहते हैं, तो ये ज़बान की जो बदल गई तस्वीर है ये किस तरह से क्यों हुई है और आप क्या किस तरह से इसको लेके? मैं कोशिश करूँगा कि ज़बान वो पुरानी ज़बान आ जाए तो दोबारा, और लोगों को यकीनन लुत्फ आएगा वो पुरानी ज़बान बोलकर। मैं यकीनन और कोई पूछना है जी? एक सवाल कादर साहब, आप अपनी मूवी, कौन सी मूवी का रीमेक बनाना चाहते हैं? मैं दो फिल्मों का रीमेक बनाना, एक ये पुरानी फिल्म है मेरी शमा, बहुत रोएंगे उसमें आप। एक साहब ने वो फिल्म देखी और आके कहा कि कितना रुलाया तुमने। और दूसरी फिल्म कौन सी बना रहा हूँ? शमा परछाई लिख रहा हूँ। कादर सर रितेश फ्रॉम ईटीवी, मेरा सवाल आपसे है कि फौजिया जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की डायरेक्टर वो रहीं और कैसा सेट्स पे क्या क्या माहौल रहा, कुछ हमें बताएं इस पिक्चर के बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस अपना? ये फिल्म के बारे में ये फौजिया जी बेहतरीन डायरेक्टर हैं और फौजिया जी लगती ही नहीं है एक औरत के हम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बेहतरीन ये लीजिए अपना माइक संभालिए। बहुत शुक्रिया कादर खान साहब। कोई और कोई सवाल करना चाहता है? हेलो ओमपुरी साहब, मेरा सवाल आपसे है। ओमपुरी साहब यहाँ पे जी, जैसे ऑफिस में बॉस दिमाग की दही कर देता है, घर में पत्नी दिमाग की दही कर देती है, समाज इंसान का दिमाग की दही कर देता है, तो क्या आपको लगता है कि दिमाग की दही कराने के लिए दर्शक ये सिनेमा देखने घर में आएंगे, सिनेमा घर में आएंगे, और क्या कुछ अगर आएंगे तो क्या संदेश होगा इस विषय में? संदेश सिर्फ इतना होगा कि दही अगर मीठा हो तो आपको खलता नहीं। अगर दही, किसने मेरी जेब में अपना फोन डाला यार, मेरे पास तो फोन है ही नहीं। दही अगर मीठा हो तो खलता नहीं है, खट्टा हो तो खलता है। तो हम आपको मीठा दही दिखाने वाले हैं, समझे? अब कई पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो मीठा दही खिलाती हैं, कई कमबख्त ऐसी होती हैं जो खट्टा दही खिलाती हैं, कई बॉस ऐसे होते हैं। बेटा कह के बुलाएंगे तो मीठा हो गया ना दही, पत्नी ने कहा ए जी सुनते हो मेरे पास तो पैसे नहीं है, कुछ पैसे छोड़ जाइए। और एक होती है साड़ी इधर लपेट के कहती है अबे किधर जा रहा है, पैसे रख के जा इधर, पता नहीं तेरे को घर में राशन नहीं है, सुनते नहीं हो, कल भी बोला था। उल्लू के पट्टे
ये बाद में बोलती है जब वो चला जाता है। दूसरा सवाल मेरा ये है सर आपसे ही है ओमपुरी साहब कि दिमाग की दही जैसे होता है और जब आदमी का दिमाग का दही हो जाता है तब आदमी सिनेमा ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे जाके अपने दिमाग को वो फ्रेश करता है। तो जिस प्रकार से आज का सिनेमा हो गया है कहते हैं टाइम पास के लिए एक सिनेमा जो होता है वो एक धागा होता है लेकिन उस धागे को इस तरह पिरोया जाता है कि मतलब सिनेमा इस प्रकार का हो गया है कि वल्गरिटी ज़्यादा हो गई है और कहते हैं कि ये सब बहुत अश्लील फिल्में आजकल दिखाई जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे कि भाई एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म लोग बनाएं और दर्शकों का जो दर्शक जाते हैं समय निकाल के उनका टाइम पास हो और उनको एक संदेश मिले। ये ऐसा है ये बड़ी मैं पहले भी कह चुका हूँ बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। इसमें हम में से किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ चाहे औरत हो या मर्द हो। उतार सकते थे आप भी उतार सकते मैं माशाल्लाह अच्छे डाले हैं समझे मैं तो नहीं उतार सकता था क्योंकि तोंद है और लड़कियाँ खूबसूरत थीं अच्छी थीं अच्छे बदन की थीं किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे क्योंकि हम एक्सपोज ही नहीं करना चाहते थे अपने को एक्सपोजर जिसको कहते हैं आप। तो इसलिए बड़ी साफ सुथरी फिल्म है और ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो लोगों को लुभाने के लिए आइटम नंबर डाल देती हैं और ऐसे जलवे दिखाती हैं कि दिल मचल जाता है और उस गाने को देखने के लिए आप दोबारा जाते हो समझे सिर्फ उस गाने के लिए। और उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं गाने पहले भी होते थे पुरानी फिल्मों में 50 और 60 के दशक में हेलन जी डांस भी करती थी वो डांस इरोटिक होता था वल्गर नहीं होता था चीप नहीं होता था। आजकल जो है जो मूवमेंट होती है माफ़ करना महिलाएं बैठी हैं इसलिए मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं कह सकता हूँ कि मूवमेंट्स जो दी जाती हैं वो बहुत चीप और वल्गर होती हैं। He would like to ask some questions. Hello, ma'am. My question is for Fauzia, ma'am. This is Mohini Singh from Bollywood and TV Reporter. How difficult was it for you to bring such veterans on the same platform? It was not at all difficult. कुछ भी ज़िंदगी में नामुमकिन नहीं होता अगर कन्विक्शन है डेडिकेशन है और सोच लिया है कि ये करना है तो सिर्फ गुजारिश काम आती है और मेरी गुजारिश सारे एक्टर्स ने मान ली। थैंक यू। एक आपको 15 सेकंड का छोटा सा कादर खान साहब का जो स्पेशल प्रोमो हमने बनाया है जो टीवी पे टेलीविज़न पे चलेगा अगले 15 दिन बाद से 10 दिन बाद से वो आपको ज़रूर दिखाना चाहते हैं सर के प्रेजेंस में दिखाइए प्लीज लाइट्स ऑफ कीजिए। बिल्कुल बहुत डिजर्व करते हैं और इतने सालों से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की है एक राइटर के बतौर एक एक्टर के बतौर और एक ज़हीन इंसान के बतौर तो बिल्कुल एक उस्ताद के बतौर बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं और हमारी गुजारिश है सरकार से कि वो इन्हें पद्मश्री से नवाजे। सामने तो फोन नंबर कर तो ना बता मेरा जीत गया हारी हो हम गाड़ा कौन आई है 10 बार आई सर थैंक यू हां मैं सामने फोटो ले अमित
ये गुलाम है और फौजिया जी ने इन्हें बहुत वर्षों पहले खरीदा था। मतलब सामने ही आ जाओ। हो गया, चलो, थैंक यू सर। चाहूंगा जब अर्शी ने आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, क्या रिएक्शन था आपका? क्या आपने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी थी पूरा नरेशन? हाँ जी, इन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुना दी थी, मेरा रोल बता दिया था और अच्छे पैसे का वादा किया था और इन्होंने वादा निभाया भी। इतने सारे दिग्गज को एक साथ ऑन बोर्ड लाना कितना मुश्किल और आसान था, जहाँ ओमपुरी जैसे दिग्गज साहब इंडस्ट्री का? नहीं नहीं, मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ इन सारे लोगों का जो जिन्होंने मेरी गुजारिश मानी, और मैं एहसानमंद हूँ इन लोगों की जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के इस फिल्म को बनाने में मेरी मदद की। ओम सर, जानना चाहूँगा आपसे कैसा एक्सपीरियंस रहा, हालांकि आप बहुत बार काम कर चुके हैं कादर खान साहब के साथ, बहुत फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म में बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। बहुत अच्छी जगह थी जहाँ हम शूटिंग कर रहे थे, पहाड़ी इलाका था, मौसम बहुत अच्छा था और खाना पीना रहना बहुत ही सुविधाजनक था, तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और हमने ये फिल्म हंसते खेलते बनाई। ओके ओम साहब, जब कॉमेडी की बात करते हैं आज के दौर में, जब बात करते हैं कॉमेडी की, कई डबल मीनिंग डायलॉग वगैरह भी आ जाते हैं, डबल मीनिंग बातें भी आ जाती हैं, तो कितना बिल्कुल फ्रेश रहेगी या कितना इस चीज़ को दरकिनार करा गया है कि मनोरंजन तो रहे लेकिन डबल मीनिंग कुछ ना हो? इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल मीनिंग है और वो है हंसी। ओके, पद्मश्री की बात करी गई खान साहब के लिए, तो आपको लगता कि थोड़ा सा देर हुई है और कहना पड़ रहा है इस बात के लिए, ये पहले सरकार को जागना चाहिए था इतने बड़े? नहीं नहीं नहीं, देर हो जाए कोई बात नहीं, अंधेर नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि देर हुई है? हाँ, और ये पहले काम हो जाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को भी आजकल बटने लगा है जो मेरा ख्याल से डिजर्व नहीं करते। अगर साहब आप क्या कहना चाहेंगे पद्मश्री की, अगर मैं बात करूं खान साहब को लेके, और आपको लगता कि देर हुई है, पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए ये काम? देर सवेर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हैं दे दो, बाद में अफसोस करने से बेहतर है अभी कर दो। और वो बहुत मुस्तहिक हैं पद्मश्री का, पद्म भूषण के। वो एक उस्ताद के तौर पर इस दुनिया में रहे हैं, एक अदाकार के तौर पर, एक हिदायतकार के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, और बेहद कामयाब। कईयों को तो लिख के नहीं देते थे, कैसेट पे बोल के भेजते थे कि ये आपको डायलॉग इस तरह से बोलना है, बड़े बड़े स्टार्स को। ये हम इस बात के गवाह हैं, वो कैसेट हमने ले आके पहुँचाई है। हम तो इनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, हमारे टीचर थे, तो ये हमारे लिए तो उस्ताद है, बाप की जगह पर है। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ सीखने को मिला जहां ओमपुरी जैसे दिग्गज और कादर? हम तो सीख रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक मंच पे इनके साथ खड़े होने का हमको अल्लाह ने मौका दिया, तो इनसे सीखना भी हमारे नसीब में है और हम तिफले मकतब की तरह ऐसे ऐसे सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत भी जो इनको खुदा ने नवाजा है, हमको उसकी 5% 10% रोशनी भी मिल गई तो हमारी जिंदगी कामयाब है, ये मैं मानता हूँ और दिल से बोल रहा हूँ।
सर यहाँ पे परेशान हो गया ये फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर जो सारे लोग यहाँ देख सकते हैं सवाल करने से पहले लेट अस वॉच द ट्रेलर ऑफ द फिल्म थैंक यू सर व्हाट इज़ दैट वन थिंग अकॉर्डिंग टू यू दैट मेक्स हो गया दिमाग का दही डिफरेंट फ्रॉम द लीग द प्रेजेंट कॉमेडी मूवीज एक तो ये कि दही इतना इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है हम उसकी लस्सी बनाते हैं हम उसकी कढ़ी बनाते हैं हम उसकी छाछ पीते हैं आज तक कमबख्त इतनी मतलब आधी सेंचुरी हो गई फिल्मों में किसी ने दही के बारे में सोचा ही नहीं तो इसका जो श्रेय है वो फौजिया जी को जाता है कि इन्होंने दही को इतना महत्व दिया और आपने ट्रेलर देखा मस्ती है और इसमें जो भी ह्यूमर है वो घटिया ह्यूमर नहीं है डबल मीनिंग का ह्यूमर नहीं है और ये वादा नहीं करती है कि सड़कों की सफाई होनी चाहिए गरीबों का पेट भरना चाहिए एक जो सोशल मैसेज होता है वो इसमें नहीं है हंसना जो है वो जीवन के लिए बहुत लाभदायक है इससे आपके खून का जो प्रवाह है वो बढ़ता है
और अंदर की जो आपकी सब इंद्रियां काम करती हैं उन्हें जोश मिलता है. तो अच्छा हंसना, अच्छी चीज़ के लिए हंसना. हमारी फिल्मों में ज़्यादातर हंसी का मतलब होता है साउथ इंडियन के एक्सेंट पे हंस दिए, बंगाली के एक्सेंट पे हंस दिए, गुजराती के एक्सेंट पे हंस दिए, पंजाबी के एक्सेंट पे हंस दिए. लेकिन हमें ऐसी हंसी हंसनी चाहिए जिसमें सब लोग मिल के हंस सकें. तो ये वो फिल्म है जिसमें हम सब मिल के हंस सकते हैं. ये परिवार के लिए फिल्म है, बीवी बच्चे माँ दादी नाना जो भी हैं सब मिलके इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं. और इसमें ना तो शाहरुख खान है, ना सलमान खान है, ना आमिर खान है, ना अपने एक खान और रह गए भैया, वो भोपाल के रहने वाले सैफ अली खान हैं. तो मतलब ये खानों की जो खान है वो इसमें नहीं है. हमारे जैसे जो हैं गरीब लोग, कैरेक्टर एक्टर्स, लोग कहते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं और इसीलिए पिछले 40 साल से लोग हमें फिल्मों में लेते रहे हैं. मैं 300 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ. ये मुझसे बड़े हैं, इन्होंने कुछ 600 फिल्में कर ली हैं. तो तो बेटा कहने का मतलब ये है, एक मज़ेदार फिल्म बनाई है और ऐसी मोहतरमा ने बनाई है जिसका जिक्र हो चुका है. इस बच्ची ने बताया इनके बारे में, मैंने इनको सिर्फ एक इजाफा किया इनकी, इन्होंने जो भी कहा उनके बारे में कि ये अच्छा गाती भी हैं और बड़े लगन से बड़ी मेहनत से इन्होंने ये फिल्म बनाई है. और मैं चाहता हूँ कि फिल्म कामयाब हो, क्योंकि इस तरह की छोटी फिल्में देखिए बहुत बड़ा बजट नहीं होता है इस तरह की फिल्मों का. तो उसमें आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगा सकते. हालांकि ये कह रही हैं कि इन्होंने तो जोर लगा दिया, ये बिल्कुल होर्डिंग लगाएंगी. बोलिए आप शिकायत करते रहते हो, कितनी बसें आपने खरीद ली? 100. अब 100 बसों पे बताइए, इनकी हिम्मत देखिए, 100 बसों पे इसके पोस्टर लगेंगे और कुछ होर्डिंग भी लगेंगे, है ना, ये वो भी लगेंगे. अब बताइए छोटी फिल्म कहाँ रही, ये तो बहुत बड़ी हो गई. बस के बाहर चली गई भैया. तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये आनंददायक फिल्म है. और जैसा मैंने कहा, इस ये फिल्म ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि हम हिंदुस्तान से गरीबी हटा देंगे. जो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना लोग, और हिंदुस्तान को साफ सुथरा बना देंगे. मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो आपने कह दिया कि भैया कार से कचरा बाहर मत फेंको. म्यूनिसपैलिटी को कौन कहेगा? जहाँ हम कचरा डालते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि यहाँ कचरा डालो, उसको कौन कमबख्त उठाएगा? सुबह उसको कुत्ते नोचते हैं, उसको बिल्लियाँ नोचती हैं और बिखरा देती हैं उसको. और दूसरे, सिर्फ गंदगी सड़कों की नहीं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके जो अंदर गंदगी भरी हुई है उसकी सफाई कौन करेगा? तो इस तरह की चीज़ों पे भी फिल्में बनती हैं, छोटी होती हैं. जब सरकार किसी चीज़ के बारे में कहती है कि भैया जाओ जाके फलां जिले में देखो वहाँ क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है उनकी, तो वो किसको कहते हैं? आईएएस ऑफिसर को बोल देते हैं. आईएएस अपना जीप में बैठता है, जहाँ तक उसकी जीप जा सकती है वहाँ जाती है, वहाँ डाक बंगले में बैठ जाता है और अपने लोगों को बोलता है भैया आसपास जाके देखाओ, कोई परेशानी तो नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी है, लोगों के पास सड़क है. और वो भी बेचारा जहाँ तक पैदल चल सकता है चल के वापस आ जाता, सब ठीक ठाक है.
तो कुल मिला के जो है सबके दिमाग का दही हो जाता है, सब उसकी लस्सी बनाते हैं, शक्कर डालते हैं, पी जाते हैं, दुनिया खुश है। जैसे हमारी टिपिकल मैं ये नहीं कह रहा सब फिल्में, टिपिकल फिल्में जो होती हैं उनका संदेश क्या होता है, उनका संदेश होता है कि देखिए ये खराब आदमी है, घटिया आदमी है, रावण है, ये गब्बर सिंह है, इसका खात्मा करना है। 11 रील तक तो वो पिटता रहता है हीरो, और 12वीं रील में पता नहीं साला कौन सी गोलियां खा के आता है वो एनर्जी की, कि उसे धो डालता है, उसे मार देता है, और ऑडियंस से कहता है देखो सब ठीक है, बुराई का खात्मा कर दिया, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। हाँ, हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, समझे? तो और जो आर्ट फिल्में होती हैं वो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करती हैं। ये फर्क है दोनों फिल्मों में। जैसा कि मैंने कहा कि मनोरंजन जीवन का हिस्सा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मनोरंजन किस किस्म का हो ये भी अहमियत रखता है। तो इस फिल्म का जो मनोरंजन है वो हार्मलेस है, इसमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई, और हम ये सबको आनंद देगा। जैसे मैंने कहा है ये फिल्म वादा नहीं करती है कि हम सबकी गरीबी दूर कर देंगे, सब समाज से बुराइयां ख़त्म कर देंगे, हम तो सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए ये फिल्म बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह से सांस आए, आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, ये फिल्म का मकसद ये है। आप खुल के हंसें, जो कि बहुत कम हंसते हैं। अब आप सब मेरे साथ एक एक्सरसाइज करिए, आपके हाथ में, आप बच्चे हो, बच्चे, एक गुब्बारा है और उसमें आप हवा भर रहे हो, उठाइए हाथ, भरिए ना हवा, फट गया। तो क्या है कि चाहे स्वाभाविक या बेस्वाभाविक, हंसना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, कहाँ से हो बेटा तू, कहाँ की रहने वाली हो? बॉम्बे। पैदाइश बॉम्बे की है आपकी? जी। और पिताजी कहाँ से? बॉम्बे। नाम क्या है? मेरा? हाँ, अस्मा। जी। बहुत खूबसूरत नाम है। उर्दू लिखती हैं आप? जी। लिख लेती हैं? जी। मेरे वालिद ने बड़ी कोशिश की मुझे उर्दू सिखाने की, लेकिन वो चूक गए, क्योंकि उन्होंने मुझे जब मैं 10वीं पास कर चुका फिर उर्दू सिखाने की कोशिश की। मैंने कहा यार पहली क्लास से शुरू करते तो अब तक मैं सीख जाता, और वो मुझे ख़त उर्दू में लिखते थे क्योंकि उनकी ज़बान वही थी, और मैं ख़त लेके साला भिखारियों की तरह, हर किसी भैया उर्दू पढ़ना आता है, भैया उर्दू पढ़ना आता है? तो नसीरुद्दीन शाह जो मेरे क्लासमेट थे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी और नेशनल स्कूल ड्रामा में भी, उनके पास ले जाता था। लेकिन उन भाई साहब का भी उर्दू कोई बहुत बेहतरीन नहीं था, वो पहली दो लाइनें पढ़ते थे, बरखुरदार मैं कहता था भैया आधी लाइन मैं पढ़ देता हूँ आगे, बरखुरदार ओम खुश रहो, इसके बाद का बताओ मुझे। तो बोलता था आप खत छोड़ दो मेरे पास, मैं शाम को बताता हूँ। तो वो अपने कमरे में जाके उसको गौर से पढ़ते थे फिर मुझे सुनाते थे। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर व्हाट अलाउड यू और कंपेल्ड यू टू वर्क विद फौजिया अर्शी, शी इज अ न्यू डायरेक्टर, सो व्हाट अलाउड यू और कंपेल्ड यू टू डू दैट? देखिए ऐसा है, मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, डोंट मिसकोट मी, आई विल मेक इट क्लियर।
मैं नारी प्रेमी हूं. अब आप गलत समझेंगे. नारी माँ, नारी बहन, नारी बेटी, नारी प्रेमिका, नारी पत्नी, पत्नी हाँ चलो खैर पत्नी भी सही यार. तो अगर आप गौर से सोचें, जब मैं कॉलेज में था तो महिलाएं, आप भी सोचिए किस प्रोफेशन में होती थी. नर्स होती थी, क्लर्क होती थी, स्टेनो होती थी, एक आध कोई इक्का दुक्का डॉक्टर बन गई. लेकिन आज कहाँ है महिला. हवाई जहाज उड़ाती हैं, स्पेस में जाती हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, बड़ी बड़ी डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं. कौन सा ऐसा प्रोफेशन बचा है जिसमें महिला नहीं है. जितनी तरक्की महिलाओं ने पिछले 40 साल में की है, हम मर्दों ने उस हिसाब से हमने की है तरक्की, लेकिन इनके मुकाबले में उतनी तरक्की नहीं की है. दो चार चीजों में ही हमसे बहुत पीछे हैं. मसलन ये डाकू नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये जेब नहीं काटती, आती नहीं जेब काटती उनको. तो ये इस तरह की चीजों पे इनको ध्यान देना चाहिए. अगर हमें इन्हें हमारे बराबर आना है तो तवज्जो देनी चाहिए इस तरफ. तो मैं गुजारिश करता हूं आप सब महिलाओं से कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. सर, इन हो गया दिमाग के दे, यू आर बीइंग सीन इन अ न्यू कैरेक्टर, इन अ न्यू गेटअप. Are you happy with it? What do you have to say about it? I am more than happy. Much more than happy. इन्होंने जिस जगह हमें ठहराया वो इतनी खूबसूरत जगह थी. चारों तरफ आपके हरियाली. कसौली में इन्होंने शूटिंग की और ऐसा भी नहीं कि सुबह 6 बजे हमको मार मार के उठाया जा रहा है. आराम से 8-8:30 बजे हम निकलते थे. और ऐसा नहीं कि टेलीविज़न सीरियल्स की तरह रात को लगे हुए 3 बजे तक शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. ये हमने वहाँ मस्ती भी की, एंजॉय भी किया, हमको खाना भी अच्छा मिलता था. ये नहीं कि पतली दाल मिल रही है और एक सब्जी मिल रही है, नहीं जी, मटन चिकन भी मिलता था और अच्छा खाना मिलता था. और सिर्फ एक मुसीबत थी, इन्होंने जहाँ शूटिंग रखी लोकेशन, एक तो वो पहाड़ी के ऊपर थी, कंडा घाट जगह का नाम था, कसौली के नज़दीक थी हिमाचल में. उसमें कुछ 105 सीढ़ियाँ थी और हम उसको 3 किश्तों में चढ़ते थे. पहले 30 सीढ़ियाँ, फिर रुक गए, रास्ते में चाय पानी मिलता था, फिर 40 और चढ़ गए. तो ऐसे करके मेरे जैसे बुजुर्ग, ये तो एक साथ 105 सीढ़ियाँ, उसके बाद पूड़ियाँ दबाते थे, ये पराठे दबाते थे, हाँ जी. तो माशाल्लाह. अरे भैया, मेरे दोस्त, मेरी बात सुन लो यार. हैं, गरीब आदमी हूँ, सिर्फ अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनते हो, शाहरुख खान की बात सुनते हो, हमारी भी सुन लिया करो कभी कभी. थैंक यू सो मच सर. रज़ाक सर, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. रज़ाक सर, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू सर. नो सर, थैंक यू सो मच. Razak sir, what do you call or what do you say about the nature of the film? Fun film? Funny film? एक तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया क्योंकि क्या है कि थोड़ी फिल्में विल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं अभी, तो इसलिए मैं
और वैसे तो मेरे पास 10-12 सूट हैं, टाई भी है, बो भी है, लेकिन सब धुलने के लिए गए हुए, इसलिए मैं खद्दर की शर्ट पहन के आया हूँ आपके। देखिए जनाब साहबान, ये माइक ऑन है? अच्छा जी सर, जी सर। जिस मंच पर, जिस डेस पर ओमपुरी साहब बैठे हैं, जिनकी आवाज़, जिनका बोलना पूरा हिंदुस्तान ही नहीं एशिया वाकिफ है, ये कई चीज़ें इनकी आवाज़ से उनका इफ्तिताह हुआ है। और कादर ख़ान साहब है जिनकी आवाज़ दहाड़ है और कुव्वत नुत्क, मतलब बोलने की ताकत जो, और लिखने की ताकत, अदाकारी की सलाहियत है। और जितना यहाँ पर ओमपुरी साहब ने बोला है, मेरे लिए बोलने के लिए, मतलब मैं उस मकाम पे आ गया जहाँ मेरा एक दोस्त था पप्पू, वो उसके घर वालों ने ज़िद की कि तुम अंग्रेज़ी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तुमको उर्दू हमने घर में सिखा दी, हिंदुस्तानी सिखा दी। तो लेट उम्र में स्कूल में गया, अंग्रेज़ी पढ़ना लगा, इम्तिहान का टाइम था, तो एक कॉम्पोजिशन था, एक निबंध था, एक मजमून था दोस्त पे, तो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा रजाक मेरे को इंग्लिश पे एक दोस्त पे एक कॉम्पोजिशन लिखना, मेरे को पढ़वा दे, रट्टा मरवा दे तो मैं कर लूँगा। मैंने उसको सिखा दिया दोस्त के बारे में कि अंग्रेज़ी में किस्सा सुनाना, जाके पढ़ लिख दे तो पास हो जाएगा। अब जिस दिन एग्ज़ाम था, उसकी बदकिस्मती फ्रेंड के बजाय फादर्स डे था, तो वो मजमून लिखना पड़ा उसको फादर पे। लेकिन हमारा दोस्त पप्पू डरा नहीं, मेरा दोस्त था, डरेगा कैसे। तो उसने सिर्फ मजमून का खाका बदल दिया, बजाय दोस्त के बाप का लिखने लगा, लेकिन जो उसको याद था। और जब वो एग्जामिनर ने उसका पेपर पढ़ा तो वो आज तक कोमा में है। तो वो क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं। लिखा, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, आई एम पप्पू, आई एम अ वेरी फादरली पर्सन, आई लव ऑल माई फादर्स, एंड माइंड यू ऑल माई फादर्स आर नॉट मेल, हाफ ऑफ देम आर फीमेल, माई मदर नोज ऑल माई फादर्स, दे कैन कम होम वेन आई एम नॉट देयर, माई मदर फीड्स देम वेल, एंटरटेन्स देम वेल, माई मदर नोज ऑल देम, ऑल ऑफ देम बाय देयर नेम्स, माई अंकल इज ऑल्सो माई फादर, एंड माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फादर इज माई नेबर, एंड आई लव ऑल माई फादर्स बिकॉज फादर जरूरी होता है ना। तो मेरे लिए अब वही पप्पू वाला हिसाब है कि मैं क्या बोलूँ, ओमपुरी साहब ने इतना बता दिया, इतने सवालों के जवाब दे दिए। और फौजिया अर्शी साहिबा ने जो फिल्म बनाई, बहुत अच्छी बनाई, मैंने जितना ट्रेलर आप लोगों ने देखा उतना मैंने भी देखा है। तो जब पूरी फिल्म देख लिया था तो मैं खड़ा होकर टेबल पर और कुर्सी पर बातें करता, और ऐसा मौका भी आएगा इंशाल्लाह। एंड आई विश एवरी मेंबर ऑफ दिस फिल्म, न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि प्रोड्यूसर और ऑल द एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, मुझसे बेहतर एक्टर्स, मुझसे बेहतरीन अदाकार, जिनको हम संगमील मानते हैं, जिनकी, जिनसे रोशनी लेकर के हम जहाँ भी एक आध कदम भी चलने के आज लायक हुए हैं, कादर खान साहब हैं, ओमपुरी साहब हैं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि फिल्म में भी काम करना तो कुछ, उनके दर, उनके साथ में बैठा हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा शर्फ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सर वन मोर क्वेश्चन, सर विल यू टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर इन द मूवी तीली भाई? बहुत कैरेक्टरलेस आदमी रहता हूँ, लेकिन है बहुत अच्छा, फनी,
आप लोगों को लगेगा कि इसका इस कैरेक्टर का कैरेक्टर नहीं, लेकिन वो बड़ा हेल्पिंग होता है. और मैंने बहुत इन्जॉय किया करना. और जब फिल्म ख़त्म हो गई तो मैंने उनसे पूछा, मतलब वाकई फिल्म ख़त्म हो गई और कुछ काम नहीं बचा है? तो बहरहाल एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड, बट आई विश एवरीथिंग गोज़ वेल एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.